अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे घर पे बारबेक्यू कर रहे हैं हम कुछ मेंस का, तो थोड़ा सा सेटअप किया हमने, तो हमने कहा आपको भी दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं, हम हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं, और इसलिए कि आप भी देखें कि अमेरिका में लाइफ कैसी होती है। रोज़ कामों में लगे रहते हैं, वीकेंड सैटरडे संडे दो दिन मिलते हैं, तो उसमें कभी कभी दोस्त यार मिल जाते हैं, और फिर ये कि बैठ के बारबेक्यू वगैरह कर लेते हैं। तो आज हमने थोड़ा बारबेक्यू का इंतजाम किया है, तो चलिए देखें हमारा सेटअप। उम्मीद है आपको लाइक अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, और इंशाल्लाह हम आपसे मिलते रहेंगे नए ब्लॉग के साथ और नए मूवी रिव्यूज़ के साथ, नए ट्रैवलिंग ब्लॉग के साथ। तो हमारा चैनल देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू एट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चेक आउट आवर सेटअप। आज हमने एक नया आइटम रखा है, पाकिस्तान कराची जैसा दूध की बोतलें, वो बादाम वाले दूध की बोतलें भी हमने रखी हैं थोड़ी सी बना के, कि थोड़ा ट्राई करते हैं, थोड़ा कराची का भी लुक आना चाहिए भाई। ये देखें जी, हम ये चिकन विंग्स बना रहे हैं। मेरे दोस्त हमारे पाजी जूनियर बेहतरीन किस्म के ये चिकन विंग्स बनाते हैं। इसमें जो है ऑलिव ऑयल मिलाया इन्होंने, और लेमन गार्लिक पेपर जो है वो मिला के, बिल्कुल सादे होते हैं, कुछ नहीं लगाते, बस खाली लेमन गार्लिक पाउडर मिला के उसको बनाते हैं। तो सारे दोस्त इंजॉय करते हैं बैठ के, बहुत ज़बरदस्त इनका आता है। और ये देखें, ये यहाँ पर मलाई बोटी बन रही है, और उसके बाद ये स्टेक्स आ गए हमारे। तो बस ये छोटी सी गेट टुगेदर हम लोग कर लेते हैं दोस्तों यारों के साथ मिलके, तो कभी कभार ये रिलैक्सेशन में बातें बातें करके अपना स्टेक खा लिए और इस तरह फन कर लिया थोड़ा घर पे बैठ के। देखें जी, ये स्टेक हैं बेहतरीन किस्म के, वेल डन स्टेक बन रहे हैं यहाँ पर। और अभी जो है इनको देखें, छोटे छोटे स्लाइसेस में काट देते हैं, ताकि फिर हम लोग इसको जो है सिर्फ मीट खाते हैं और उसके अलावा ब्रेड वगैरह कुछ नहीं। तो इसी तरह काट काट के देते रहते हैं, गरम गरम उतरते रहते हैं, लोग खाते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। तो देखें हमारे स्टेक तैयार हो रहे हैं। आप भी हमें कमेंट्स में बताएँ कि आपको हमारा बारबेक्यू स्टेक कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट्स में थम्सअप दीजिएगा, और इंशाल्लाह इसी तरह जो है हम थोड़ी गैदरिंग करते रहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी कोई गैदरिंग होगी तो उसके भी आपको बनाएंगे दोस्त यारों के साथ बैठ के। तो चलें वहाँ पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेशिस ट्रैवल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।